अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत होंगे। बेटा, हम लोगों ने 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है लास्ट लेक्चर से, कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन। आइए 1.4 एक्सरसाइज के चंद और क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराने लगा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 6 है। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसमें हमने के का आंसर निकालना है, जबकि हमें ये कहा हुआ है कि कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन दैट एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। अगर ये गिवन दैट है कि एस कंटिन्यूस एफ एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो सो एफ एफ 2 जो है ये इक्वल होगा फिर हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। अब एफ एफ 2 के मतलब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, जिसमें इक्वल का साइन आएगा उसको चूज़ करना है। तो पहले में देखें डज नॉट इक्वल, इसमें इक्वल का साइन है, इसके सामने के आ रहा है तो इसकी जगह के आ जाएगा। जबकि यहाँ पर हमने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 के लिए एफ एक्स कौन सा चूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो एफ लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स है ये बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स के लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हम उस वक्त बात करते हैं जब दोनों लैदा लैदा फंक्शन हम सेलेक्ट करें। मीन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कोई और फंक्शन चूज़ करें और राइट हैंड लिमिट के लिए कोई और फंक्शन चूज़ करें। लेकिन जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए एक ही लिमिट एक ही फंक्शन चूज़ होता है, तो उसके लिए पहचान क्या है कि कौन सा फंक्शन हमने चूज़ करना है दोनों में से। तो जिसमें डज नॉट इक्वल का साइन आएगा आपने वो वाला फंक्शन जो है ना इसमें चूज़ करना है। तो डज नॉट इक्वल तो इसमें आ रहा है, तो हमारे पास भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट 2x+5 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा x+7 डिवाइडेड भी क्या हो जाएगा x-2। अब हम यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे, तो बेटा ये 0 और 0 फॉर्म बनती है। तो 1.3 साइज में आप लोग ये बात बेटा पढ़ चुके हैं कि अगर जब कभी भी 0 और 0 फॉर्म हो तो हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हम इसका मतलब यहाँ पर अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये अलजेब्रा से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 इज इक्वल टू हमारे पास इन टू हमारे पास आ जाएगा 2x+5 माइनस x+7 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर x-2। अब सिंपल रूल क्या है इसका कि जो वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं इसके कंजुगेट से हमने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा देना है। अब यहाँ पर देखें कि ये वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, इसका कंजुगेट क्या बनेगा हमारे पास 2x+5 का स्क्वायर रूट, ये माइनस है तो हम प्लस के साथ इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या बन जाता है x+7 डिवाइडेड भी मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x+5 प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x+7 हो जाएगा। तो हम इसको फिर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, जिसको मैं लिख सकता हूँ a का स्केयर माइनस b का स्केयर लिख सकता हूँ स्केयर रूट, ये a का स्केयर हो जाएगा एंड हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा b का स्केयर हो जाएगा एंड ये इक्वल हो जाएगा x-2 इंटू मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर बेटा 2x+5 प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x+7। अब क्या होगा मजीद कि ये स्केयर रूट इससे कैंसिल आउट, ये स्केयर रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास भी यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 2x+5 और जब ये स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x-7 हो जाएगा डिवाइडेड भी मेरे पास आ जाएगा x-2 इंटू मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2x+5 प्लस हो जाएगा हमारे पास x+7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक होगी बात बेटा? आप क्या करेंगे 2x में से x निकाल दें, 5 में से -2 निकाल दें, तो हमारे पास भी यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 2x में से x को निकाल दें तो क्या बच जाएगा x बच जाएगा और 5 में से -7 निकाल दें तो x-2 डिवाइडेड बाई x-2 इंटू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2x+5 प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x+7 हो जाएगा। तो अब हमारे पास भी क्या हो जाएगा बेटा ये x-2 और x-2 को कैंसिल आउट कर दें और माइंड में रखिएगा ये लेफ्ट साइड पे k स्टिल चलता जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फिर k इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 2 1 ओवर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2x+5 प्लस हमारे पास आ जाएगा x+7। अब अगर आप राइट हैंड साइड पे गौर करें बेटा तो 0 0 फॉर्म से हम लोग बच चुके हैं,
अब जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर अगर हम टू पुट कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अगर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर टू पुट कर दें तो ये नाइन का स्केयर रूट हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर टू पुट कर दें ये भी स्केयर रूट नाइन हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 + 1/3, तो के इज इक्वल टू, इस मीन्स कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/6 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक होगी बात बेटा, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन मजीद देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा इसके बाद बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं, उन दो पार्ट्स में से पहला पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, सेकंड पार्ट फिर बेटा आप इंशाल्लाह खुद सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपने पहले पार्ट को गौर से देखा, सारे स्टेप उसमें नोट कर दिए, तो इंशाल्लाह सेकंड पार्ट आप लोग बेटा खुद सॉल्व कर सकेंगे इसका। -2x + 9, और यहाँ पर कंडीशन ये दिवन है कि x इज लेस देन 3 है, x इज इक्वल टू 3 है एंड x इज ग्रेटर देन 3 के बराबर है, और ये कहा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा ये बात कही हुई है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। ठीक होगी बात, सो दैट f इज कंटिन्यूस, ठीक है ना, सो दैट f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर जो पॉइंट नोट करें वो ये है कि आपको तीन फंक्शन दे दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ से हमें एक तो आइडिया हो रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलहदा फंक्शन आएगा, राइट हैंड के लिए अलहदा आएगा, और एफ एफ सी के लिए अलहदा फंक्शन आएगा। तो हम उसी कंडीशन को यूज़ करते हैं कंटिन्यूस ऑफ अ फंक्शन की, उसने कहा हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आपने एफ एफ सी निकालना होता है, एफ एफ सी निकालना है तो इसका मतलब उसने कहा हुआ है एट एस इज इक्वल टू 3 चेक करना है, एफ एफ 3 फाइंड करना है। अब इसमें चेक करें कि कहाँ कहाँ आपको एफ एफ 3 मिल रहा है, यहाँ पर मीन्स के इक्वल का साइन कहाँ कहाँ आ रहा है। तो जैसी बात है कि फंक्शन होगा जिसमें इक्वल का साइन आ रहा है, ये वाला फंक्शन है जिसमें इक्वल का साइन आ रहा है, इसके सामने ये n हो गया। तो यहाँ पर दिस इज अप्लाइज दैट, कि हमें ये बात तो पता चल गई एफ एफ 3 इज इक्वल टू n आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, लेकिन इनमें इक्वल का साइन नहीं था। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बेटा आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स आ जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने बेटा नोट करनी है वो ये है कि 3 माइनस मीन्स या लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद हुआ है कि जिसमें लेस देन का सिंबल आएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें इनइक्वालिटी, लेस देन इनइक्वालिटी आएगी। तो लेस देन इनइक्वालिटी इसमें आ रही है, इसके सामने जो फंक्शन आ रहा है हमने उसी को चूज़ करना है एम एक्स। तो जहाँ पर हम देखें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है अब हम वहाँ पर 3 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3m बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं बेटा। इसके बाद अब हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट बेटा सॉल्व फाइंड करनी है, और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और एफ एक्स के मतलब बेटा ये आप बात बता चुके हैं। अब जो एफ एक्स हमने चूज़ करना है, चूंकि राइट हैंड लिमिट है जिसमें ग्रेटर देन इनइक्वालिटी आएगी, हमने उसको चूज़ करना है। तो यहाँ पे देखें ग्रेटर देन इनइक्वालिटी के सामने कौन सा फंक्शन है हमारे पास, -2x + 9 हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको चूज़ करना है। तो हमारे पास फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर 3 पुट कर दें तो -2 × 3 प्लस क्या हो जाएगा 9। तो ये इक्वल हो जाएगा -6 + 9 हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट का जो आंसर आ गया हमारे पास वो क्या बन गया, 3 हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी हमारे पास। अब जो हमारे पास यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर बेटा अगर 3 बन रही है, तो चूंकि क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गिवन है कि ये कंटिन्यूस है। तो अब हम यहाँ पर हमें इसको वेरीफाई करना ही नहीं है, क्योंकि m और n अननोन है, इन्हीं को तो हमने फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि सिंस गिवन दैट f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, सो अगर ये कंटिन्यूस है बेटा f इज इक्वल टू 3, तो क्या लिमिट
x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स हो जाएगा। एफ एफ थ्री की अगर हम बेटा बात करें तो एफ एफ थ्री इक्वेशन नंबर 1 में देखें किसके बराबर है, n के। एफ एफ थ्री लेफ्ट हैंड लिमिट है 3 माइनस, तो किसके बराबर है 3m के। और एफ एफ थ्री प्लस एफ एक्स किसके बराबर हो गया हमारे पास 3 के बराबर, हमने कैलकुलेट किया हुआ था। साइड पर आप रीजन क्या दे देते हैं भाई 1, 2 एंड 3। अब हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अप्लाइज दैट, मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 और मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर 3m इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3 बेटा मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा 3 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यही आंसर बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट करने थे, ठीक होगी बात बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका कि सेकेंड पार्ट में क्या बात है। इसी के बेटा सेकेंड पार्ट देख लें। सेकेंड पार्ट में फंक्शन हमें दिया हुआ है एम एक्स इफ एक्स लेस देन 3 के बराबर है एंड एक्स स्क्वायर के बराबर है। और यहाँ पर हमें यह दिया हुआ है कि एक्स इज़ ग्रेटर देन 3 के बराबर है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के बराबर। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है। कंफ्यूजन ये होती है कि हमने आंसर तो सिर्फ m का निकालना है, एक ही अननोन है और ये उसने कहा हुआ है कि ये कंटिन्यूस है। तो अक्सर कन्फ्यूजन ये आती है कि अगर ये अपने एक ही अननोन है m, वो निकालना है कंटिन्यूस है, तो तीनों कंडीशंस को कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि तीनों कंडीशंस को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने ये कहा हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस है और हमें ये बात बताया फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब लिमिट एग्जिस्ट करती है। और ये चीज़ फिर माइंड में रखें, जब कभी आपको एक अननोन हो और कंटिन्यूस का वर्ड यूज़ करें तो फिर आप लिमिट की एग्जिस्टेंस का जो फार्मूला है उसी को यूज़ करके आपने उस अननोन की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। तो यहाँ पर उसने कहा हुआ है ये कंटिन्यूस है, इसके अंदर लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी। तो सॉल्यूशन अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि गिवन दैट क्या है, एफ इज कंटिन्यूस, एफ कंटिन्यूस है, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स मस्ट बी एग्जिस्ट। तो जारी सी बात है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, क्लियर। अब हम क्या काम करते हैं 3 माइनस के लिए, मैंने वही बात है लेफ्ट हैंड लिमिट है तो 3 माइनस से मराद ये होगा जिसमें लेस देन इनइक्वालिटी आएगी उसको चूज़ करना है, 3 प्लस से मराद क्या है जिसमें ग्रेटर देन इनइक्वालिटी आएगी उसको चूज़ करना है। अब हम यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस फंक्शन को लेते हैं तो लिमिट 3 माइनस, तो इस एफ एक्स की जगह हम एम एक्स पुट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस और एफ एक्स की जगह ये एक्स स्क्वायर हम लोग पुट कर देंगे। अब यहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर 3 पुट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू पुट करते हैं तो 3m हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर वैल्यू पुट कर दें तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा m बराबर है 9 डिवाइडेड बाई 3, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा तो m का जो आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास। अब इससे रिलेटेड जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 1.4 एक्सरसाइज का, ये जो मैंने आपको 5 का सेकेंड पार्ट करवाया है सेम वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। आपका बेटा 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब लिमिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिया 1.3 पर, 1.3 से सिलसिला आगे निकला 1.4 में आ गया और कंटिन्यूस ऑफ फंक्शन तक हमने काम कर लिया है बेटा। आज के लिए आपका बेटा इतना ही काम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर, नई एक्सरसाइज और नए थ्योरम्स के साथ आपके साथ बात होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।